नमस्कार दोस्तों, भारत में वीवीआईपी सिक्योरिटी के क्षेत्र में एसपीजी सुरक्षा के नाम पर सबसे ऊपर आता। आखिर एसपीजी में सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे, कैसे एसपीजी के कमांडो भर्ती होते हैं, क्या इनका काम होता है, जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप भी एसपीजी कमांडो में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात बता दें आपको, हालांकि गांधी परिवार को जेड प्लस की सुरक्षा रहेगी और इस जेड प्लस की सुरक्षा में ही यहाँ पर एसपीजी का काम होता है। आपने एसपीजी सुरक्षा का नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके बारे में कुछ अलग जानकारी रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि एसपीजी का गठन कब हुआ था, एसपीजी कमांडो की ट्रेनिंग कैसी होती है, एसपीजी प्रमुख कौन होता है? नहीं तो आपको हम इससे जुड़े सारे सवालों के डाउट्स आज आपको कवर करने वाले। दोस्तों एसपीजी है जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में की गई थी। इसका काम है भारत के प्रधानमंत्री, उनके परिवार और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा प्रदान करना। इनके अतिरिक्त एसपीजी किसी और वीवीआईपी की सुरक्षा में नहीं लगाई जाती। बात करें तो 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, वो पुलिस उपायुक्त डीसीपी के प्रभारी, दिल्ली पुलिस के विशेष सुरक्षा जिले की जिम्मेदारी हुआ करती थी। अक्टूबर 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी द्वारा नई दिल्ली में एक और नए दिल्ली के बाहर प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया गया था। वही अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में ये तय किया गया कि एक विशेष समूह को प्रधानमंत्री की सुरक्षा का यहां पर दारमदार संभालना चाहिए। इसके बाद एसपीजी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। 18 फरवरी 1985 को गृह मंत्रालय ने बीरबल नाथ समिति की स्थापना की और मार्च 1985 में बीरबल नाथ समिति ने एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जिसे हम एसपीयू के नाम से जानते थे, उसका गठन किया गया था। वही 30 मार्च 1985 को भारत के राष्ट्रपति ने कैबिनेट सचिवालय के तहत इस यूनिट के लिए 819 पदों का निर्माण किया। इसे नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसे एसपीजी के नाम से जाना गया। एसपीजी के प्रमुख का पद 3 साल के कार्यकाल के लिए बनाया गया था। वही एसपीजी फोर्स कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करती, इसका प्रमुख डायरेक्टर रैंक का आईपीएस अफसर होता है। इसका मुख्यालय पीएम हाउस में ही बना होता है। हमले की सूरत में सेकंड कार्डन की जिम्मेदारी होती है, वही पीएम के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े जवानों को सिक्योरिटी कवर दे ताकि प्रधानमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वही एसपीजी के जवानों के साथ पीएम के काफिले में एक दर्जन गाड़ियां होती है, जिसमें बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज का सीडोन, 6 बीएमडब्ल्यू X3 और मर्सिडीज बेंज होती है। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस, टाटा सफारी, जेमर भी इस काफिले में शामिल होती है। वही बात करें तो एसपीजी के जवानों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी का एक एक कमांडर वन मैन आर्मी होता है। इसके कमांडो ऑटोमेटिकल गन, जिसे एफएनएफ 2000 असोल्ट राइफल से लेस होते कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है, एक लाइट वेट ब्लू प्रूफ जॉकेट पहने होते हैं। वही एसपीजी के जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं, जो लेवल 3 केवलर की होती है। इसका वजन 2.2 किलोग्राम होता है। यह 10 मीटर दूर से AK-47 चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। वही साथी कमांडो से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टोकी का सहारा लेते, यहाँ तक कि इनके जूते भी काफी अलग होते। ये किसी भी जमीन पर नहीं फिसलते, ये खास तरह के दस्ताने पहनते जिससे चोट से उनका बचाव होता है। कमांडो चश्मा भी पहनते जो उनकी आंखों को हमले से बचाते और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होने से यहाँ पर इसे बचाते। दोस्तों एसपीजी सुरक्षा के कमांडो के पास एक स्पेशल ब्रीफ केस होता है, पर इसमें कपड़े या बारूद नहीं होता। ये ब्रीफ केस जैसा दिखने वाला एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है।
ये पूरी तरह खुल जाता है और रक्षा कवच का काम करता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका काम यह है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन इसे खोलकर वीवीआईपी को कवर कर ले। ये ब्रीफ कैप उप बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह हमले से सुरक्षा करने के लिए सक्षम होता है। इसे ब्रीफ केस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें एक पिस्टल, जो आपकी पिस्टल है वो होती है। आतंकी हमले के समय ये ब्रीफ केस एक सुरक्षा डाल का काम करता है। वही अगर बात करें एसपीजी कमांडो कैसे भर्ती होते हैं, कैसे इनकी भर्ती प्रक्रिया होती है, क्या डायरेक्टली एसपीजी कमांडो को चुना जाता है पीएम की सुरक्षा के लिए, तो दोस्तों मैं बता देता हूं। एसपीजी कमांडो जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, जो कि दो ग्रुप होता है, एक एनएसजी ग्रुप होता है, दूसरा एसपीजी ग्रुप होता है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जो बाहरी सुरक्षा देता है, जबकि एसपीसी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जो कि पीएम और उसके अलावा जितने भी मंत्रिमंडल है उसको आसपास में सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो जितनी भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, इंडियन आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज है, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन आर्मी, इन तीनों को मिला के साथ में आपका जो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आईटीबी के साथ सीआईएसएफ, इन सभी में से चुन के आते हैं और उनको अलग से यहाँ पर दिल्ली के पास में गाजियाबाद में स्थित एसपीजी ट्रेनिंग सेंटर में इनको कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। दोस्तों बहुत ही कम जवान ऐसे होता है जो कि एसपीजी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है और लंबे समय से उसे कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक एसपीजी कमांड को, जो एसपीजी कमांडो होता है उसका यहाँ पर चुनाव होता है। अगर बात करें कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही कटिंग होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि सबसे अधिक और सबसे अधिक योग्य लोगों का चयन हो सके। ठीक उसी तरह से कमांडो फोर्स के लिए भी कई चरणों में चुनाव होता है। सबसे पहले जिन रंग रूटों का कमांडो के लिए चयन होता है वह अपनी अपनी फोर्सेज के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होते, तभी जाके उनका एनएसजी एसपीजी के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होता। देश के सबसे जाबाज सिपाही कही जाने वाले ब्लैक कैट कमांडो आखिर बनते कैसे है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी कमांडो बनते कैसे, ये सवाल सबके जहन में हमेशा रहता है। क्योंकि जब भी देश के लिए एलटी एसपीजी कमांडो आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं तो उस वक्त सबका भरोसा इन पर ही होता है और लोग यही सोचते हैं कि आखिर किस भट्टी से तपकर ये कमांडो निकलते। आज हम आपको बता दें कि एनएसजी और एसपीजी जो कमांडो बनता है वो ऑपरेशन के दौरान अपने काम में पीछे न हट सके, इसके लिए ब्लैक कैट कमांडो को मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनएसजी एक का एक कमांडो कैसे तैयार होता है। दोस्तों कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि अधिक से अधिक योग्य लोगों का चयन हो सके। ठीक उसी तरह कमांडो फोर्सेज के लिए भी कई चरणों में चुनाव होता है। सबसे पहले जिन रंग रूटों का कमांडोज के लिए चयन होता है वह अपनी अपनी फोर्सेज के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होते हैं, इसके बाद भी उनका चयन कई चरणों से गुजरता है। अंत में ये सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर एनएसजी के साथ में गाजियाबाद एसपीजी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेते तो ये देश के सबसे कीमती और जाबाज सैनिक बनते। लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक अंतिम रूप से कमांडो बन जाए। 90 दिन की जो कठिन ट्रेनिंग के पहले भी एक हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20 फीसदी सैनिक अंतिम दौड़ तक पहुंचने में रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं और अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलतापूर्वक पूरी कर ली तो फिर वो देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। ये कमांडो सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसका पास करना अनिवार्य होता है, और उनको पास करने के बाद में उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन है वो एसपीजी के लिए कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।